माया नगरी मुंबई में 252 करोड़ में बिका ट्रिप्लेक्स फ्लैट और बजाज ग्रुप के चेयरमैन ने खरीदा सबसे महंगा ट्रिप्लेक्स फ्लैट। जी हां, मुंबई शहर में 252 करोड़ रुपए में एक ट्रिप्लेक्स फ्लैट बिका है और यह फ्लैट दक्षिण मुंबई के वालकेश्वर इलाके की एक निर्माणाधीन इमारत में है। यह फ्लैट 18,000 स्क्वायर फुट एरिया का है। रियल स्टेट की सूत्रों की माने तो यह डील उद्योगपति नीरज बजाज और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा ग्रुप के बीच में हुई है और जिसे आज की तारीख में भारत की सबसे महंगी डील मानी जा रही है। पिछले महीने ही मुंबई के वली इलाके में 30,000 स्क्वायर फुट एरिया का पेंट हाउस उद्योगपति बीके गोयनका ने खरीदा था और अब बजाज ग्रुप के डायरेक्टर ने लोढ़ा मालाबार टावर के टॉप 3 फ्लोर बुक किए हैं। यह इमारत राजभवन के करीब है और इस फ्लैट की कीमत प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से 1,40,000 रुपए है। और यह भी पता चला कि उद्योगपति बजाज ने इस फ्लैट के लिए टोकन मनी दे दी है जबकि बाकी पैसे बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी मिलने के बाद दिए जाएंगे। मुंबई के साथ ही भारत देश का यह अब तक का सबसे बड़ा डील है। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में यह इमारत बन रही है और यह इमारत 252 करोड़ में बजाज ग्रुप के चेयरमैन ने खरीदा है।